हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन की। जब तक हम एक स्ट्रेटजी ना बनाएं कि हमें क्या करना है, किस लिए करना है और कितने समय के लिए करना है, तो उसके बिना फिर हम अपने रिटर्न को ऑप्टिमम या अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने उसमें इक्विटी में थोड़ा डेट भी शामिल किया हो, थोड़ा गोल्ड भी शामिल हो, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ रियल एस्टेट के जो अदर डिराइव्ड फॉर्म्स हैं जैसे रीट्स हैं, इन्विट्स हैं, ऐसे में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस किया होगा, तो उनके पोर्टफोलियो में ये जोखिम कम होगा और उनका, मैं श्योर हूँ कि उनके पोर्टफोलियो में जितनी गिरावट आनी चाहिए सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से, उतनी पूरे पोर्टफोलियो गिरावट नहीं होगी। इसलिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है।